नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड लीगल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। 22 अगस्त 2017 की तारीख को भारत के कानूनी इतिहास में एक ऐतिहासिक तारीख के तौर पर जाना जाएगा। वर्षों से चली आ रही तीन तलाक की प्रथा को, जिसे कि तलाक ए बिद्दत भी कहा जाता है, इसी दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुनवाई के दौरान 3-2 के बहुमत से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और साथ ही साथ सरकार को यह निर्देश दिया गया कि 6 माह के अंदर अंदर सरकार द्वारा इस संदर्भ में बिल लाया जाए। काफी विचार विमर्श, वाद विवाद के बाद मोदी सरकार द्वारा इस संदर्भ में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2017, जिसे कि ट्रिपल तलाक बिल भी कहा जाता है, लोकसभा में पेश किया गया, जो कि दिनांक 28 दिसंबर 2017 को लोकसभा से पास हो गया। आज के इस बिल में हम बात करेंगे इसी बिल से जुड़े कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2017 में कुल 7 सेक्शन यानी 7 धाराएं हैं। तलाक की परिभाषा इस बिल के सेक्शन 2B में दी गई है, जिसके अनुसार तलाक यानी तलाक ए बिद्दत या इसी प्रकार का कोई समान तलाक जिसके द्वारा तुरंत प्रभाव से तलाक दे दिया जाता है, इसी तलाक को हम आम भाषा में 3 तलाक या ट्रिपल तलाक भी कहते हैं। अब बात करते हैं इस बिल के सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण प्रावधान की, जिसके अनुसार 3 तलाक अवैध और गैरकानूनी है। सेक्शन 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को शब्दों से, लिखित में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या अन्य किसी भी प्रकार से तलाक देता है तो वह अवैध व गैरकानूनी होगा। ट्रिपल तलाक के इस बिल में ट्रिपल तलाक को एक दंडनीय अपराध माना गया है और साथ ही साथ इसके लिए सजा का प्रावधान भी है। सेक्शन 4 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना से दंडित किया जा सकेगा। यह अपराध एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा यानी संज्ञेय अपराध होगा। इसके अंदर पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और यह एक गैर जमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल अपराध होगा। 3 तलाक के इस बिल में सजा के अलावा महिलाओं को संरक्षण देने के लिए भी प्रावधान अंकित किए गए हैं। सेक्शन 5 के अनुसार यदि किसी महिला को कोई व्यक्ति तलाक दे देता है तो वह अपने लिए और अपने पर आश्रित बच्चों के लिए उस व्यक्ति से भरण पोषण भत्ता यानी सब्सिस्टेंस अलाउंस को प्राप्त करने की अधिकारी होगी। इसी के साथ साथ एक विशेष प्रावधान इस बिल में जो अंकित किया गया है वह है चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड यानी बच्चों के संरक्षण के अनुसार। सेक्शन 6 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को 3 तलाक दे दिया जाता है तो उस महिला के बच्चों की कस्टडी यानी उनकी कस्टडी, जो कि नाबालिग बच्चे हैं, उनकी कस्टडी उस महिला के पास रहेगी। तो ये सभी थे 3 तलाक बिल के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जिसके बारे में हमने आज बात करी। ये बिल लोकसभा से पास हो चुका है, अब राज्यसभा में इससे पास होना बाकी है, उसके बाद राष्ट्रपति से इसे मंजूरी मिलेगी। जल्द ही ये कानून बन जाएगा और मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण हेतु ये एक बहुत ही अच्छा कदम मोदी सरकार द्वारा उठाया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।